हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन क्लास। माय लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट षटक्रम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन सुखासन तारासन पद्मासन एंड शशांकासन। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है योगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन कौन से योगा होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज वन ऑफ पावर फोकसिंग और अटेंशन ऑन समथिंग इट इज एन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट इन अवर लाइफ डेट अनेबल अस टू परफॉर्म वेल इन ऑल डेट वी डू। योगा बाई इट्स नेचर इज सेड टू बी ग्रेट मीन्स टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन किसी इंडिविजुअल की किसी वस्तु यानी किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी फोकल पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो यह हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है यानी कि एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो हमें किसी कार्य को अच्छे ढंग से करने के योग्य बनाता है। तो योग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो योगा अगर हम टेक्निक ऐसी तकनीक की सहायता से हम अगर हम योगा करेंगे तो थ्रू द टेक्निक वी कैन डील विद फीलिंग ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जायटी एंड फोकस वेल ऑन द वर्क एट हैंड। ठीक है, तो योगा में ऐसी बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इस तकनीक की सहायता से हम तनाव और चिंता के भाव को भली भांति उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेस या एंग्जायटी है उसको हम फेस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं जो हमारे सामने है उस पर हम अपना पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देयर आर मेनी स्टडीज दैट हैव शोन योगा इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कंट्रीब्यूट गुड मेंटल एनर्जी एंड ब्रिंग ए बैलेंस ऑफ बॉडी एंड द माइंड। सम ऑफ द आसन दैट हेल्प इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन आर डिस्कस बिलो। ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग योगा में करते हैं कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ऐसे अनेक रिसर्च स्टडी यानी कि बहुत स्टडी है मैनी स्टडी रिसर्च किए गए अध्ययन हो चुके हैं। ठीक है, जो ये दर्शा चुके हैं कि योग क्या करता है कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, ये रिसर्च के थ्रू पता चला है कि योग क्या करता है कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें क्या करता है अच्छी मानसिक ऊर्जा हमारी जो मेंटल एनर्जी है उसमें उसको भी योगदान करता है, उसमें बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, और हमारे करता है हमारी बॉडी और मस्तिष्क को संतुलन लाता है, हमारे शरीर और मस्तिष्क में संतुलन लाता है, बैलेंस लेके आता है हमारी बॉडी में और कंट्रीब्यूट गुड मेंटल एनर्जी एंड ब्रिंग बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारे बॉडी और माइंड को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में योगा होता है बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। ठीक है, तो कौन कौन से आसन होते हैं जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, तो बात करते हैं सुखासन की। ठीक है, तो सुखासन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड सुख एंड आसन। सुख मीन्स प्लेजर और हैप्पीनेस एंड आसन मीन्स होता है पोस्चर। ठीक है, तो बाय डूइंग दिस आसन द सोल गेट्स हैप्पीनेस एंड पीस। देयरफॉर दिस आसन इज कॉल्ड सुख आसन। बाय परफॉर्मिंग सुखासन ब्लड सर्कुलेशन इज डन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो सुखासन क्या बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सुख और आसन। ठीक है, तो सुख मीन्स क्या होता है, सुख का तो होता है खुशी या प्रसन्नता। ठीक है, सुख मीन्स होता है प्लेजर या हैप्पीनेस एंड आसन का तो होता है मुद्रा या स्थिति यानी कि जो पोस्चर में रहता है तो उसे कहते हैं आसन। ठीक है, तो इस आसन को करने से क्या होता है, हमारी आत्मा को सुख और शांति मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं सुखासन कहते हैं। ठीक है, और सुखासन करने से हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छी ढंग से होता है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि सुखासन का अर्थ है जिस आसन में बैठने से आप सुख का अनुभव करें वह सुखासन है। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग सुखासन इज क्वाइट इजी एंड यू कैन प्रैक्टिस इन एनीवेयर। ठीक है, यानी कि सुखासन क्या है, काफी आसान है और इसका अभ्यास आप कहीं भी कर सकते हो। सुखासन इज ए वेरी कॉमन योगा पोस्चर। ठीक है,
तो प्रैक्टिस वाइल्ड डूइंग मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम। ठीक है, तो सुखासन क्या है, एक मतलब बहुत ही आम योग मुद्रा है। ठीक है, मतलब यानी कि बहुत ही आम योग मुद्रा है, आप लोग कहीं भी जिसका अभ्यास मतलब आप कहीं भी कर सकते हो। इसका ज्यादातर जो इसका जो इसकी प्रैक्टिस होती है वो मेडिटेशन और जो हमारे ब्रीथ से जुड़े मतलब ब्रीदिंग से जुड़े जो हमारी जो एक्सरसाइज होती है, यानी कि जैसे प्राणायाम करते वक्त किया जाता है इसको सुखासन को। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है सुखासन का, देखो ये आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, व्हाट इज सीन इन दिस इमेज इज द सुखासन, ये आपको सुखासन की इमेज दिख रही है जो कि काफी इजी है। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर है सिट विद लेग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमने क्या सबसे पहले अपने सामने क्या करना है, अपने जो हमारी लेग है उनको सामने स्ट्रेट करके बैठ जाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, देन बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई, हमने फिर क्या करना अपने अपने राइट लेग को बेंड करना है। ठीक है, और उसको मोड़ते हुए अपने क्या करना है, बाई मतलब प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई के नीचे रखना है। ठीक है, यानी कि हमने अपने दाएं पैर को बाएं पैर के अपने बाएं पैर के नीचे रख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने आफ्टर दैट बेंड द लेफ्ट लेग प्लेस द फुट अंडर राइट हिप, यानी कि हमने क्रॉस लेग बैठ जाना है। कुल मिला के पहले हमने क्या करना है, राइट लेग को बेंड करके लेग थाई में डालना है, फिर लेग थाई को बेंड करके राइट थाई में लगाना है। ठीक है, थाई के नीचे रख देना है। फिर क्या बोलना है, कीप द हैंड ऑन कीनो सच वे डेट द पाम शुड रेस्ट ऑन द कीनो, जो आपने क्या करना है, अपने पाम्स को अपनी जांघों के ऊपर रख देना है रेस्ट की पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कीप योर हेड नेक एंड बैक स्ट्रेट, हमारे हेड नेक और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज योर आइज, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, क्लोज योर आइज, हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, रिलैक्स द होल बॉडी, और हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स पोजिशन में होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है सुखासन। ठीक है, तो इसके बेनिफिट बहुत है। ठीक है, तो यू फर्स्ट इट इज गुड मेडिटेशन पोस्चर। ठीक है, यह आसन आपको मतलब मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इट इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यह आपके आसन मतलब आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है। इंक्रीज द ग्लैंडुलर फंक्शनिंग, ठीक है, मतलब ग्लैंडुलर फंक्शन में जो ग्रंथियां होती है आपकी, ठीक है, ये आसन मतलब जो आपकी ग्रंथियां है उसको भी फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है। इम्प्रूव लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपकी लेग में मतलब लेग को स्ट्रेंथ करेगा। ठीक है, यानी कि आपकी टांग की शक्ति को बढ़ाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करती है। तो क्योर आर्थराइट्स एंड नॉक नी, यानी कि आपके जो आर्थराइट से प्रॉब्लम है यानी गठिए की समस्या, ठीक है, और नॉकनी यानी कि जो जब घुटने टकराते हैं तो उसको उससे भी जो प्रॉब्लम है उसको भी अवॉइड करने में रिड्यूस करने में हेल्प करता है। काम्स द माइंड, ये आपके मस्तिष्क को भी शांत करता है। ठीक है, इट इम्प्रूव पोस्चर, ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है। इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये आपके तनाव और चिंता को दूर करता है। ठीक है, और फैकल्टीज मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस विदाउट केसिंग स्ट्रेन, ठीक है, बिना किसी दबाव के ये आपके मानसिक, ठीक है, मेंटल और क्या फिजिकल जो आपके को भी मतलब बैलेंस करता है। ठीक है, यानी कि आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन अच्छा करने में हेल्प करता है। और स्ट्रेंथ द बैक, ठीक है, ये आपकी मतलब बैक स्ट्रेट में यानी कि पीछे पीठ को आपको मतलब आपकी जो बैक साइड है उसको भी मतलब स्ट्रेट मतलब उसको पावरफुल बनाता है। आपकी जो पीठ के हमारी जो मांसपेशियां होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किन लोगों को ये इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो द इंडिविजुअल हु हैव नी इंजर्ड शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, यानी कि जिन जिन किसी व्यक्तियों को घुटने की चोट हो, ठीक है, तो उन्हें इन आसन को लॉन्ग टाइम तक नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ सेकेंड है ताड़ासन। ठीक है, तो ताड़ासन जिसे कहते हैं, इसे पर्वत योग मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब यह पर्वत की तरह दिखता है ना, इसलिए इसे पर्वत मुद्रा भी कहते हैं।
तो बात करते हैं तारासन की। तो तारासन इज मेकअप ऑफ टू संस्कृत वर्ड तार एंड आसन। तार मीन्स माउंटेन एंड आसन मीन्स पोज मुद्रा। तो तीस आसन मीन्स टू बी इन द माउंटेन पोस्चर। दिस आसन इज इजी एंड इजी टू प्रैक्टिस। तारासन इज द योगा पोज विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ। ठीक है, तो तारासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाया, तार और आसन। ठीक है, तार का मतलब क्या होता है, मैंने बताया माउंटेन यानी कि पर्वत, और आसन का मतलब होता है पोज यानी कि पोस्चर, हमारा मुद्रा, हम किस स्थिति में बैठते हैं। ठीक है, किस स्थिति में खड़े रहते हैं। ठीक है, तो तारासन योग मुद्रा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इसे पर्वत योग मुद्रा भी कहते हैं, इसलिए भी कहा जाता है इसे, मतलब पर्वत योग मुद्रा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह क्या होता है, पर्वत की तरह यह मतलब स्थिर और शांत प्रतीत होता है, इसे करने दिखता है, तो इसलिए भी इसको तारासन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। स्टैंड अप इन अटेंशन पोजिशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, सावधान की स्थिति में खड़े हो जाना है। ठीक है, उसके बाद लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाने। ठीक है, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने हाथ ऊपर की ओर खींचना है, स्ट्रेच करना है। ठीक है, अपनी हील्स के ऊपर उठाना है और अपने पंजों पर संतुलन बनाते हुए खड़े हो जाना है। आल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड। ठीक है, अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है पूरी तरह से। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजिशन। तो कुछ समय बाद मतलब यानी कि 5 to 10 seconds करने के बाद आपने क्या करना है, मतलब ब्रीथ आउट, श्वास को छोड़ते छोड़ते अपनी स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाना है। ठीक है, तो कुछ समय बाद के उपरांत अपने श्वास को धीरे धीरे छोड़े और जो आपकी फर्स्ट वाली पहली वाली जो अवस्था है पोजिशन है उसमें वापस आ जाना है। ठीक है, तो रिपीट द सेम 10 to 15 times। तो ये आपको करना है 10 से लेके 15 times इस क्रिया को करते रहना है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है। इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ये आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी कि आपको मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इट रिड्यूस ओबेसिटी, आपको मोटापा को भी कम करने में हेल्प करता है। इट क्योर कॉन्स्टिपेशन मीन क्या, कब्ज यानी कि आपके कब्जे को भी दूर करता है। ठीक है, इट क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपको पाचन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट इम्प्रूव ब्लड पोजिशन, इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, या आपके आसन को शरीर मतलब सुधारता है, इम्प्रूव करता है, यानी कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, अगर खराब है तो उसको सही करने में हेल्प करता है। इट एलिवेटेट्स साइटिका। ठीक है, मतलब साइटिका क्या ये, तो ये क्या होता है, साइटिका जो आपके साइटिका से रिलेटेड जो आपको पेन है उसको भी कम करने में आपकी हेल्प करता है। इट इज एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट्स टू इनहेंस देयर हाइट। ठीक है, यानी कि यह सबसे अच्छा आसन है बच्चों की लंबाई बढ़ाने में के लिए, यानी कि अगर ये बच्चे इसको ताड़ासन को करेंगे तो उनकी हाइट के लिए काफी बेनिफिशियल है ये आसन, इससे हाइट बढ़ती है बच्चों की। इट इज बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, यानी कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन के से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, ये आपको मतलब अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे इसकी ताड़ासन की तो आपके इम्प्रूव करेगा आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए, यानी कि आपकी जो एकाग्रता है उसमें वृद्धि करेगा ये। ठीक है, अब कॉन्ट्री इंडिकेशन क्या हुआ, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन, यानी कि अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे इसकी प्रैक्टिस का अभ्यास नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको नहीं करना चाहिए वो। ठीक है, इन केस ऑफ हेडेज और इंसोमिनिया यू शुड अवॉइड प्रैक्टिस दिस आसन, अगर किसी का सिर दर्द है। ठीक है, या फिर इंसोमिनिया यानी कि अनिंद्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी अब इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम सच एज फ्यूलिटी वेल्वस शो नॉट परफॉर्म दिस आसन। ठीक है, तो यानी कि
क्वालिटी वॉल्व यानी कि जिन व्यक्तियों को ठीक है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर क्वालिटी वॉल्व यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी इस अभ्यास उनको भी इसका प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए शासन की। ठीक है तो नॉट नेक्स्ट है पद्मासन। तो पद्मा मीन्स लोटस एंड आसन मीन्स पोस्चर, इट मीन्स सिटिंग इन ए पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट। ठीक है यानी कि पद्मासन, द वर्ड पद्मासन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड इन पद्मासन इज पद्म विच मीन्स लोटस वाइल द सेकेंड वर्ड इज आसन विच मीन्स सिटिंग मुद्रा। इन पद्मासन द योगी सीट्स इन सच ए पोजिशन इज ए लोटस फ्लावर। ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि पद्मासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। पद्मासन का जो पहला वर्ड है यह है जिसका अर्थ होता है पद्म, जिसका अर्थ होता है कमल होता है। ठीक है जबकि दूसरा शब्द क्या है आसन, जिसका अर्थ होता है बैठना या फिर मुद्रा। ठीक है तो पद्मासन में क्या करता है, जो योगी होता है वो मतलब ऐसी स्थिति में बैठता है जैसे कमल का फूल, तो इसलिए से पद्मासन भी कहते हैं। ठीक है तो दिस इज कॉल्ड पद्मासन बिकॉज आफ्टर सिटिंग इन दिस पोजिशन इन दिस पोस्चर आर पोस्चर पोस्चर अवर पोजिशन अवर पोस्चर बिकम इजली एग्जैक्टली लाइक लोटस। तो हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमलासन पद्मासन, इट इज वेरी इजी टू डू दिस पोस्चर। ठीक है तो इस आसन करने से क्या होता है, जब मतलब इसे पद्मासन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस आसन के बैठने के बाद जो हमारी मुद्रा होती है, जो हमारी पोस्चर होता है ठीक है, वो बिल्कुल कमल की तरह बन जाता है। ठीक है तो इसलिए इसे कमल आसन भी कहते हैं या फिर इसे कहते हैं पद्मासन भी कहते हैं। ठीक है तो इस आसन को करना काफी इजी होता है। ठीक है तो इसमें क्या होता है, जो पद्मासन में मतलब एक ऐसी मतलब पद्मासन एक ऐसा आसन है जिस मतलब जिससे शरीर की जो हमारी आकृति है कमल के समान होती है, इसलिए इसे कमलासन इसलिए इसे पद्मासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है तो मेनी पीपल ऑल्सो नो दिस इजी बाय द नेम ऑफ लोटस पोज, द आसन इज द ओनली वे टू सिट इन मेडिटेशन। ठीक है तो इस आसन में कई लोग इसे लोटस पोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है तो यह आसन केवल मतलब ध्यान में बैठने का एक तरीका है। तो दिस आसन ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स टू योगा बॉडी, तो ये यह आसन हमारे बॉडी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है तो दिस आसन प्लीज द माइंड एंड रिमूव एंग्जाइटी एंड इट बेनिफिशियल इन अचीविंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है तो इसलिए पद्मासन भी क्या होता है काफी इम्पोर्टेंट होता है मेडिटेशन आसन के लिए। ठीक है अब इसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट इन स्क्वाट पोजिशन, आपने देखा होगा स्क्वाट लेग में बैठ जाना है हमने। प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई, अपने राइट लेग को हमने लेफ्ट थाई में रखना है, सो डेट द हील ऑफ द हील ऑफ द राइट फुट मैनी टच द हिप बोन द लेफ्ट थाई। ठीक है यानी क्या पड़ता है, सर्वप्रथम हमने क्या करना है पालथी मार के स्थिति में बैठ जाना है। ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो हमारा राइट ठीक है राइट पैर को हमने क्या करना है अपने लेफ्ट थाई पर रखना है। ठीक है ताकि हमारा जो राइट पैर है राइट पैर की जो हमारी हील्स है ठीक है वो हमारी मतलब लेफ्ट थाई की हिप की मतलब हिप बोन को क्या करे टच करे। ठीक है उसके बाद क्या करना है, हमने जो लेफ्ट पैर के उठाना है और उसी प्रकार मतलब राइट राइट टांग के मतलब राइट लेग के नीचे रख देना है। ठीक है यानी कि हमने क्रॉस लॉग बैठ जाना है। ओके उसके बाद द बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, हमारी बैकबोन क्या होती है बैकबोन हमारी शुड बी स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है इरेक्ट, तो यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ठीक है उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद प्लेस योर आर्म ऑन द की, अपने दोनों हाथों को अपने मतलब घुटनों में रखना है। ठीक है आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर फ्यू डे इट बिकम इजी परफॉर्म द इजी, यानी कि अगर कुछ दिन इसका आप डेली कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद ही क्या है आसानी से हो सकता है। ठीक है सिंपल पोज है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, पद्मासन इंक्रीज द फोकस ऑफ माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है पद्मासन के अभ्यास से क्या होता है, हमारा जो मन का जो फोकस करता है या हमारे मन का पूर्ण फोकस करता है। ठीक है और कॉन्सेंट्रेशन, जिससे क्या होता है हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इन क्लाम द ब्रेन, हमारे माइंड को मतलब हमारे माइंड को रिलैक्स मतलब क्या कहता है मतलब पीस ऑफ माइंड सीरियल मतलब श्राप करता है मतलब शार्प करता है हमारे माइंड को। ठीक है
इट हेल्प टू रिलैक्स द बॉडी, या हमारे हमारे बॉडी को रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प टू स्टिमुलेट द एब्डोमेन एंड स्पाइन, ठीक है। यह हमारे मतलब स्टिमुलेट, ठीक है, यानी कि जो और जो क्या होता है स्टिमुलेट एब्डोमेन एंड स्पाइन, यानी कि जो स्टिमुलेट द एब्डोमेन पेट और जो स्पाइन हमारे जो मेरुदंड है पीछे की रीढ़, ठीक है, उसको भी उसमें को भी हेल्प करता है, उसके हेल्प करता है। दिस आसन द बेस फॉर ऑल आसन एंड इट स्ट्रेट हिप एंड नी, ठीक है। यह आसन क्या होता है, सभी आसनों को करने के लिए एक आधार का कार्य करता है, जिससे क्या होता है हमारे हिप और घुटने को क्या करता है स्ट्रॉन्ग करने में भी हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर टेंशन, तो यह क्या करता है हमारे जो ब्लड प्रेशर और मस्कुलर टेंशन को भी रिड्यूस करने में मतलब कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एब्डोमेन फैट, यानी कि जो हमारे फैट है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है हमारे पद्मासन। नाउ अब से कंट्रीइंडिकेशन, कंट्रीइंडिकेशन क्या है, दूर किन लोगों को ये पद्मासन नहीं करना चाहिए। तो दोज इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम स्टाइका और वीक ऑफ इंजर्ड नी शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन, शुड नॉट बी प्रैक्टिस अंटिल यू हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी यू नी, ठीक है। यानी कि जिन व्यक्तियों को साइटिका तथा कमजोर व इंजर्ड घुटने हैं जिन लोगों के, तो उन्हें इन आसन का प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए उनको, ठीक है। यदि आपके घुटनों में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिनको नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जिनको फ्लेक्सिबिलिटी जिनके पास कम है उनको इसे अवॉइड करना चाहिए, ओके। नाउ लास्ट है शशांक आसन, हेयर पोज। शशांक आसन में इसको खरगोश का आसन भी कहते हैं, इसे रैबिट पोज, हेयर पोज भी कहते हैं। तो द वर्ल्ड शशांक आसन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ल्ड शशांक, ठीक है। शशांक इट मीन्स मून, हेंस इट इज नेम एज मून पोज, यानी कि मून पोज भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो शशांक आसन शब्द संस्कृत शब्द के शशांक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। शशांक का अर्थ चंद्रमा भी होता है, इसलिए इसे चंद्रमा आसन या चंद्रमा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि सास मीन्स हरे एंड आक मीन्स होता है लैप, तो देयर फॉर इट इज कॉल्ड हरे पोज और रैबिट पोज। तो दूसरी मतलब दूसरी ओर सास का अर्थ होता है हरे और आग का अर्थ होता है गोद, तो इसलिए इसे हरे पोज यानी कि हरे मुद्रा या खरगोश मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो शशांक मीन्स हुआ रैबिट, तो वाइल डूइंग दिस आसन ए पर्सन बिकम ए रैबिट लाइक शेप, देयर फॉर इट इज कॉल्ड शशांक आसन। सबसे सिंपल ये है कि शशांक का अर्थ होता है खरगोश, इस आसन को करते वक्त व्यक्ति खरगोश जैसी मतलब उसकी जब करता है तो उसकी जो इमेज है जो उसकी आकृति है वो क्या होती है खरगोश जैसी बन जाती है, इसलिए इसे मतलब शशांक आसन कहते हैं, ठीक है। अब शशांक आसन कहते हैं सिट विद ब्रजासन, प्लेस हैंड ऑन द थाई। सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रजासन में बैठ जाना है, उसके अपने दोनों हाथों को अपने थाई में रखना है, कीप द अपर बॉडी स्ट्रेट, हमारी बॉडी को ऊपर करना है, ठीक है। एंड लेग्स विद इनहेलिंग रेज बोथ द आर्म अबव द हेड, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, ठीक है। कीप देम स्ट्रेट एंड शोल्डर राइट, दोनों को मतलब अपने शोल्डर की अपने जो हमारे शोल्डर की चौड़ाई है उसके उसके सामने दोनों को रखना है, ठीक है। और क्या करना है कीपिंग द आर्म्स एंड हील स्ट्रेट एंड लाइन विद ट्रंक द हैंड द फोरहेड शुड रेज, ये दिख रहा है आपको शशांक आसन। ऑन द फ्लोर फ्रंट द नी बेंड द आर्म स्लाइटली सो दैट दे आर फुली लेग्स एंड लेट द एल्बो रेस्ट ऑन द फ्लोर, तो हमने क्या करना है धीरे धीरे हमने क्या करना है हाथ ऊपर उठाना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ हमने क्या करना है अपने फोरहेड को जमीन से लगाना है, ठीक है। जो हमारे एल्बो है ये जमीन पर टच होंगे, ठीक है। रिटर्न ब्रीथ अप द 5 सेकंड इन द फाइनल पोजिशन, और 5 सेकंड के लिए हमने लास्ट पोजिशन है 5 सेकंड के लिए हमने क्या करना है 5 सेकंड तक श्वास को रोकना है, ठीक है। तो अंतिम अवस्था में लगभग हमने 5 सेकंड तक अपने श्वास को रोकना है, उसके बाद क्या करना है 5 सेकंड फाइनल एट द सेम टाइम इनहेल एंड स्लोली रेज द आर्म एंड ट्रंक इन वर्टिकल पोजिशन, एक्सहेल व्हाइल लोअरिंग द आर्म्स द नी
प्रैक्टिस दिस 3 to 5 times दोज हु वांट टू क्लाम एंगर एनी इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल पोजिशन फ्रॉम 3 to 10 30 minutes 30 seconds ठीक है 30 minutes 3 to 10 minutes। तो हमने क्या करना है, अंतिम अवस्था में लगभग 5 seconds तक उसको श्वास को रोकना है। उसके बाद क्या करना है, मतलब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, श्वास लेना है और अपने हाथों का हमारे हाथों को करना है, उसके बाद वापिस स्ट्रेटन करना है ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे हमने क्या करना है, अपनी जो हमारी स्टार्टिंग पोजिशन है उसमें आ जाना है ठीक है। तो इसका जो हमें इसकी जो प्रैक्टिस है, हमने प्रैक्टिस जिस 3 to 5 times जो इसकी प्रैक्टिस है, हमने 3 to 5 times इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जो व्यक्ति को मतलब दोज हु वांट टू काम एंड एंगर एनी मे इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल पोजिशन ठीक है, यानी जो व्यक्ति क्रोध को शांत करना चाहता है ठीक है, तो अंतिम अवस्था में उसे 10 मिनट तक बढ़ा सकता है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा था उसको 10 to 10 minutes उसको इंक्रीज कर सकता है ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, इट हेल्प टू लीव फटिग एंड प्रमोट्स कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ठीक है। तो मतलब ये कहता है हमारी फटिग यानी कि हमारी थकान को छुटकारा दिलाता है ठीक है, ये छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है, और कंसंट्रेशन यानी मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारी। इट हेल्प इन रिलीविंग एंग्जायटी एंड डिप्रेशन ड्यू टू इट्स क्राम इफेक्ट ठीक है। तो अगर आप डेली आप इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इससे जो आपका मतलब एंग्जायटी रिड्यूस होगा, यानी कि चिंता जो डिप्रेशन है वो आपको उसको दूर करने में काफी हेल्प करेगा ये। इट इम्प्रूव ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड एयरफोर न्यूरोसिस आइस एंड ऑल द ब्रेन फंक्शनिंग ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे जो हेड है हमारे सिर में ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की आपूर्ति करेगा ठीक है, यानी कि उनको इंक्रीज करता है, ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करता है। और उससे क्या होता है, हमारी जो आंखों की ठीक है और हमारे जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है तो वो ठीक करने में काफी हेल्प मिलती है। इट रिलीज़ेस द प्रेशर ऑन द डिजाइसेस ठीक है, या प्रेशर इट रिलीज द प्रेशर ऑन द डाइसिस, हमारे प्रेशर जो प्रेशर पड़ा उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स ठीक है, तो हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स है कोशिका है जो मेन है उसको भी मतलब उनको भी दबाव रिड्यूस करने में हेल्प करता है। रेगुलर प्रैक्टिस रिलीविंग कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यानी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो कब्ज है उसको भी दूर करने में हेल्प करता है ठीक है। तो रेगुलर द स्पाइन गेट्स ऑफ फॉरवर्ड स्टेट एंड बिकम फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी रेट की अस्थि होती है, रेट की जो बोन होती है उसको भी ये फ्लेक्सिबल मतलब लचीला बनाता है और मजबूत बनाने में हेल्प करता है ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी पाइनल थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स ठीक है। तो इस आसन को करने से जो हमारी पीयूष ग्रंथि होगी, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड है या पैराथायराइड है उसको भी क्या करता है, उसको भी सही करता है ठीक है, उनको भी स्ट्रांग बनाता है। इट रिड्यूस द एक्सेस फैट इन द एब्डोमिनल रीजन यानी कि जो हमारे पेट में जो एक्सेस फैट है, हमारा मोटापा चर्बी बनी है उसको भी रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है ठीक है। इट आल्सो कंट्रोल डायबिटीज ठीक है, यानी कि ये डायबिटीज मधुमेह को भी नियंत्रण करने में हमारी हेल्प करता है। इट इंक्रीज द मेमोरी पावर और हमारी क्या कहती है, जो हमारी मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कॉन्ट्रीडिकेशनस यानी किन लोगों को हमें नहीं करना चाहिए, तो दोज इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और स्लीपिंग डाइस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, यानी कि जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर स्प्लिट डिस्क की समस्या है तो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, थैंक यू।